नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपको हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में कल किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए, यानी कि 29 दिसंबर को किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए कल, और किन किन लेवल पर आपको रेजिस्टेंस और किन लेवल पर आपको सपोर्ट, और किस प्रकार से आपको एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आज हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी जो आज हमारा क्लोज हुआ है वो 0.5% तेज़ी देखी गई, जिसमें कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 226.35% इसने ऊपर की तरफ क्लोज़ किया है, यानी कि ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है आज के लिए। और अगर हम इसके चार्ट को देखें तो आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं, अभी जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। और हमारा बैंक निफ्टी है जो वो एक डेली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे इधर पे, तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए डेली ऊपर की तरफ गया है। और साथ में अगर हम बात करें कि जो आज हमारा बैंक निफ्टी रहा है, दो तीन दिन से रेगुलर इसी पैटर्न को कंटिन्यू फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आता था, और इस लेवल पे बायर्स एक्टिव होते थे और यह ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। लेकिन आज जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ है हमारा, ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ है। इस लेवल पे ऑल टाइम हाई जो लगाया था लास्ट डे, इसने इसी के ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हुआ हमारा निफ्टी 50, लगभग 65 पॉइंट ऊपर की तरफ ओपन हुआ था। और अगर हम देखें इसको तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हमारा बैंक निफ्टी ऊपर होने के साथ साथ आज एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा है। लगभग अगर आप रेंज देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही हमारा बैंक निफ्टी आज ट्रेड करता रहा है, जिसमें कि इसने सबसे पहले एक हाई लगाया था सुबह के टाइम। अगर आप इधर पर देख पा रहे होंगे, जो हाई लगाया था इसने लगभग 48,628 का इसने हाई लगाया था ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो आज लो लगाया था, जो लास्ट डे जिस लेवल पर ऑल टाइम हाई लगाया था लास्ट डे, उसी लेवल पर जाके इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया था। और उसी रेंज के अंदर आज ये हमारा जो बैंक निफ्टी है, इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा है ऊपर की तरफ। बार बार यह लेवल क्रॉस नहीं कर पाया है जो हाई लगाया था इसने, और इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा है। जिसने आज ऑप्शन सेलिंग की होगी, नीचे की तरफ जिसने पुट सेलिंग की होगी, और ऊपर की तरफ से जिसने कॉल सेलिंग की होगी इस लेवल के बाद, तो उसके जो सेलिंग की होगी उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा आज ऑप्शन सेलिंग करके। और अगर हम देखें कि कल किस प्रकार से आपको इसको ट्रेड करना चाहिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आज हमारा लेवल है सबसे इम्पोर्टेंट लेवल, जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया है हमारे लिए, यही लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कल ट्रेडिंग के सेशन के लिए। तो इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, अगर कल हमारा बैंक निफ्टी इसी लेवल के ऊपर की तरफ ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो हमें वापस से ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और अगर कल हमारा बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर ओपन होता है और अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो यह लेवल एक हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यही लेवल आज हमारा बैंक निफ्टी लगभग दो बार इस लेवल पर आया, लेकिन दूसरी बार में इसने इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है और नया हाई नहीं लगा पाया है। इसलिए यह लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है हमारे लिए। 48,626 का लेवल यह एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक इसको ब्रेक करके हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा, तब तक हमें कोई बाइंग मोमेंटम यानी ऊपर की डायरेक्शन में तेज़ी देखने को नहीं मिलने वाली है बैंक निफ्टी में। तो यह लेवल हमारा जो 48,626 का लेवल है, यह लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा बैंक निफ्टी कल इसी लेवल के ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो हमें वापस से एक अच्छा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा और ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। और अगर कल हमारा बैंक निफ्टी इसी लेवल के नीचे की तरफ ओपन होता है, अगर हमारा बैंक निफ्टी कल इसी लेवल के आसपास कहीं पे इधर पे नीचे की तरफ ओपन होता है, तो यह लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। अगर हमारा बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होता है और वापस से टाइम बिताता है इधर पे, टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की डायरेक्शन में, तो हमें ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर हम नीचे की तरफ देखें, तो आप देख पा रहे होंगे इधर पे भी जो इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, इधर पे आप देख पा रहे होंगे इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था,
लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक नीचे की तरफ आता है इस लेवल को, या फिर इस लेवल के नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होता है, तो यह लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि लगभग 3-4 दिन से 5 दिन से इसी लेवल को सपोर्ट की तरह हमारा बैंक निफ्टी मानता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब इस लेवल पे आता है तो इसमें एक सपोर्ट की तरह काम करता है, तो यह लेवल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर बैंक निफ्टी पॉसिबिलिटी यही है कि वापस से इसी लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होता है और इधर पे कोई रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकले, तो आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी को कल ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट को और देखते हैं किस प्रकार से आपको कल उसको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो हमने अभी जो चार्ट खोला हुआ है ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारा निफ्टी 50 डेली इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और कंटिन्यू ऊपर की तरफ अगर देखें तो एक चैनल बना के ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमारे निफ्टी 50। और अगर हमारा निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमें वापस से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो हमारे लिए अभी, वो सपोर्ट लेवल कुछ इस लेवल के आसपास है, 21,500 का लेवल। यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। 21,550 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह हमें काम करते हुए दिखेगा निफ्टी 50 में, अगर हमारा निफ्टी 50 नीचे की तरफ आता है तो, क्योंकि इसने पहले एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया था इसी के आसपास, इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था और यही रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इसी लेवल पे इसने एक एन पैटर्न बनाया था, तो यह लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा हमारे लिए। और अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन को देखें जो हमारा मार्केट फॉलो करता आ रहा है लगभग 8-10 दिन से, तो यह ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट की तरह काम करती हुई दिखेगी हमें। तो निफ्टी 50 को कुछ इस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर कल हमारा निफ्टी 50 अगर हमारा कल निफ्टी 50 इसी लेवल के अगर कल हमारा निफ्टी 50 इसी लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होता है और इधर पे कोई रेंज बनाता है, और रेंज के बाद इस जो हाई लगाया है इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, नया हाई लगाता है, तब हमें वापस से एक निफ्टी 50 में बाइंग के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी आज हमारा जो निफ्टी 50 रहा है, ज़्यादा खास मोमेंटम कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसने लगभग 100 पॉइंट 75 पॉइंट के अंदर यह ट्रेड करता रहा हमारा निफ्टी 50। सबसे पहले ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद वापस से नीचे की तरफ इसने लो लगाया, और जहाँ पर लास्ट डे इसने क्लोज़ किया था उसी लेवल पर जाके इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल गया, उसने वापस से नया हाई लगाया, और इसी प्रकार से इसने प्रोजेक्शन को फॉलो करते हुए अब ट्रेंड का पैटर्न बनाया है, और देखने में यह लग रहा है कि ये डब्ल्यू पैटर्न है। लेकिन अगर कल हमारा जो निफ्टी 50 है अगर इसी लेवल के आसपास कहीं पे ओपन हो, और अगर इधर पे कहीं पे ओपन होता है और रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तब हम वापस से बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर हम नीचे की तरफ देखें, अगर हमारा निफ्टी 50 इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, या फिर कल इधर पे कहीं पे ओपन होता है और रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ निकलता है, तब आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।